हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो अभी एक मैच होने वाला है चैंपियंस लीग फुटबॉल का, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस एलईपी के बीच, जो कि खेला जाएगा गाइस मतलब 2 घंटे 16 मिनट बाद। 4 मैच है एक साथ ही, और वो भी चैंपियंस लीग के। तो मैं टीम थोड़ा जल्दी पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। बात करें, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आपको फाइनल टीम पोस्ट होगी, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। इस चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, फटाफट जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और हम गाइस इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रस्तावित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। बात कर लेते हैं इस मैच की, देन मैनचेस्टर सिटी वर्सेज LEP। यहाँ पर मैं मैनचेस्टर सिटी को लिटिल बिट फेवर कर रहा हूँ, बट यहाँ पर LEP भी जीत सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मतलब आपको पता है कि चैंपियंस लीग बहुत ऑल ओवर, चेल्सी टीम मेरे को सबसे स्ट्रॉन्ग लगती है चैंपियंस लीग के अंदर। बट अगर मैं बात करूँ मैनचेस्टर सिटी की, तो फाइनल तक ये भी थी, तो जब यूरोपा लीग चल रही थी तो फाइनल तक मैनचेस्टर सिटी पहुँची थी। तो मुझे लगता है कि मैनचेस्टर सिटी के गेम में मतलब हाथ में ये गेम है। बात करें गोलकीपर की, यहाँ से लूँगा पी गुलेक्सी को। गुलेक्सी पे हर बार एक्सपेक्टेशंस हर बंदा रखता है, मैं नहीं, ऑलमोस्ट आप किसी की भी मतलब अगर आप अपनी टीम भी क्रिएट करेंगे ना, तो गोलकीपर आप इसी को चुनेंगे, क्योंकि ई मॉरियस को कोई नहीं चुनेगा। आगे से बात करें अगर हम डिफेंडर की, देन यहाँ से लूँगा जाओ कंसेलो को। जाओ कंसेलो पिछले साल सीरीज के अंदर प्रीमियर लीग के अंदर अच्छी असिस्ट करता था, इस बार मैंने इसके अंदर वो बात नहीं देखी। मैं लिटरली सच बता रहा हूँ जो पिछले साल देखी थी, मेरे को एक्सपेक्ट था कि ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा, या ग्रैंड लीग के अंदर वाइस कैप्टन की ऑप्शन होगी या ये प्लेयर, बट मैं लिटरली बता रहा हूँ टीम में लेना ही बहुत बड़ी बात है इस प्लेयर को। एंड जे स्टोन्स की बात करूँ, जे स्टोन्स की वापसी हो जानी चाहिए मेरे को तो यही है, क्योंकि मैं वॉल्कर को लूँगा नहीं। अगर वॉल्कर खेला तो मैं नीचे से आपको राय दूंगा कि आप किसी अनदर प्लेयर के साथ चले जाओ। लेपोर्ट की बात करूँ, देन ये प्लेयर फॉर्म में है, क्योंकि एज अ थर्ड डिफेंडर वॉल्कर की जगह सारे लोग चूज़ करेंगे जे स्टोन्स को, अगर आप करते भी हो और अगर जे स्टोन्स खेलता है। लेकिन मैं जो चूज़ कर रहा हूँ वो है लेपोर्ट, क्योंकि अगर आप सिंगल साइड जाओगे तो लेपोर्ट आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप लिटिल बिट भी LEP के फेवर में हो, तब भी मेरी राय ये है कि ए लोपैट को मत छोड़ना। आगे से बात करें मिडफील्डर की, KD ब्रून वॉज नॉट प्लेइंग फ्रॉम लास्ट मैनी मैचेस, प्लेइंग 11 में ये दोनों प्लेयर नहीं आ रहे, और दोनों ही ग्रेट पेनल्टी टेकर है। KD ब्रून के बारे में मैं अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन रियाद महरस को तो मैंने आंखों देखी, ज़बरदस्त खेलते देखा है। जैक ग्रलिश की बात करूं, देन जैक ग्रलिश की जब से वापसी हुई है लिटरली इसने मतलब ये जब मतलब मैं आपको क्या बोलूं, वर्ड नहीं है, जब जब जैक ग्रलिश खेला है उस वक्त मेरे को लगता है कि हाँ भाई आज गोल होगा, क्योंकि जैक ग्रलिश की असिस्ट जैसी असिस्ट किसी और की नहीं है। और लिटरली बता रहा हूँ, जैक ग्रलिश गोल करे या ना करे, लेकिन अगर ये असिस्ट करेगा तो मैं 80% गोल को छोड़कर असिस्ट को बोलूँगा कि हाँ भाई इस बंदे के कारण गोल हुआ है। सी नुकू की बात करूँ, देन क्रिस्टोफर नुकू को मैं इसलिए ले रहा हूँ, देखो लिटिल बिट अगर मेरे पास क्रेडिट इशू होता तो मैं नुकू को ड्रॉप करता बाकियों की तरह, क्योंकि KD ब्रून अभी श्योर नहीं है, दैट्स वाई आई एम टेकिंग नुकू। ई फोर्सबर्ग की बात करूँ, देन एमिल फोर्सबर्ग वॉज द पेनल्टी टेकर, तो इसको तो छोड़ना बनता ही नहीं। पिछले मैच में बी सिल्वा ने अनएक्सपेक्टेड गोल मारा था, और जब एक मैच हो रहा था पोर्तुगल का, तो उसमें भी बी सिल्वा ने गोल किया। मतलब इस सीज़न अगर मैं बात करूं तो प्रीमियर लीग में भी खाता खोल चुका है ये प्लेयर, प्लस वर्ल्ड कप क्वालिफाइज लीग में, अब बचा है एक लीग चैंपियंस लीग। मैं चाहता हूं आज गोल ना करे भाई, मैं क्योंकि लिटरली इसको मैं इसकी जगह जो प्लेयर ले हूं वो है इल्के गोंडोगन, और ये प्लेयर फ्री किक्स लेता है, तो फ्री किक्स में आपको पता है असिस्ट अपने नाम कर सकता है। आगे से बात करें स्ट्राइकर की, रहीम स्टर्लिंग की जगह मुझे लग रहा है कि गैब्रियल जीसस को खिलवाएंगे। गैब्रियल जीसस तगड़ी फॉर्म में है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, रहीम स्टर्लिंग कभी बार बार खेलने हाथों रहा है, लेकिन गैब्रियल जीसस जैसी असिस्ट देखने को नहीं मिल रही। और फेरन टॉर्स फ्रंट साइड खेल रहा है भाई, लिटरली बिल्कुल सेंटर, इल्के गोंडोगन एंड एफ टोर्स दोनों फ्रंट साइड खेलेंगे, और मेरे को थोड़ा दुख है कि फॉर्डन नहीं खेल रहा, नहीं तो फॉर्डन होता तो लिटरल मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ मेरा कैप्टन रहता। और एंड्रे सिल्वा की बात करूँ, LEP का एंड्रे सिल्वा को ले रहा हूँ, वाई पॉलसन वॉज नॉट प्लेइंग दैट्स वाई आई एम टेकिंग एंड्रे सिल्वा। तो ये मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।